आज जिस प्रकार की सरपरस्ती है, अभी आपने खाजू वाले की घटना देखी होगी, कौन सा ऐसा तंत्र है जो इस प्रकार हमारी बोली वाली में बेटियों को अगवा कर रहा है, उनके दिलों दिमाग में वो जहर भर रहा है। कौन सा ऐसा तंत्र इस राजस्थान में सक्रिय हो गया जो धर्मांतरण से लेकर हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहा है। वर्तमान हालातों में किसी भी मामले को किस हद तक लेकर जाना है, ये दरअसल सियासत तय करती है। जातिगत मामला हो या धार्मिक, सियासत की नज़रें उसके शुरू होने के साथ ही नफा नुकसान के आकलन में जुड़ जाती है और सियासी कारिंदे किसी भी घटना को लेकर उसके पटाक्षेप की हदें तय करने में जुट जाते हैं ताकि राजनीतिक लिप्सा को पूरा किया जा सके। ऐसा एक मामला सामने आया है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से। दरअसल श्री डूंगरगढ़ कस्बे में तनाव है, तनाव में राजनीति चरम पर है। मामला कहीं दब गया है लेकिन सियासी बात से खेल होती है, क्योंकि दरअसल ये चुनाव से पहले का तनाव है। शोर में माँ बाप की आहें दब गई हैं क्योंकि गुमसुदगी के नारों के बीच धार्मिक नारे लगने लगे हैं। बड़ी गाड़ियों का शोर रोजाना कस्बे की गलियों से गुजरता हुआ सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता तो सिर्फ न्याय। माँ बाप मजबूर हैं क्योंकि बिना शोर के शायद वो भी मान चुके हैं कि न्याय मिलना मुश्किल है। ऐसे में सियासत की जाजम पर तो बैठना ही होगा, वरना कौन किसके न्याय की गारंटी लेता है। चलिए तमाम बातों को छोड़कर अब आपको मामले की तह में ले चलते हैं कि आखिर माजरा क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्या है कि श्री डूंगरगढ़ कस्बे में रोजाना मखमली कालीन पर चलने वाले लोकतंत्र के तीमारदार वहां पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। दरअसल 1 जुलाई को श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग हिंदू लड़की गायब हो जाती है। परिजन छानबीन करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। काफी तलाश की जाती है और उसके बाद परिजन न्याय की गुहार को लेकर पुलिस थाने में पहुंचते हैं और गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस मामले की जाँच शुरू करती है तो एक के बाद एक कई परतें खुलने लगती हैं। जांच में सामने आता है कि नाबालिग हिंदू लड़की के साथ लड़की को पढ़ाने वाली एक महिला मुस्लिम टीचर भी साथ में गायब है, और यहीं से शुरू होता है पूरे मामले का असली खेल, क्योंकि मामला हिंदू मुस्लिम बन चुका था। अब तक लोग लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण, प्रेम विवाह से लेकर न जाने क्या क्या आकलन लगा चुके थे, लेकिन नाबालिग लड़की के 4 मिनट के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले की तस्वीर ही बदल जाती है। अब तक लड़की की बरामदगी में नाकामी का जो ठीकरा पुलिस प्रशासन के माथे मंडा जा रहा था वो पूरी तरह से बदल चुका था और पूरा मामला लव जिहाद में बदल गया है। मामले में मुस्लिम महिला टीचर का नाम आते ही नाबालिग के परिजनों और इलाके के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और आरोप लगाया कि स्कूल की मुस्लिम टीचर ने बच्ची को एक प्लान के तहत गायब कर दिया है। हालांकि वायरल हो रहे करीब 4 मिनट के इस वीडियो में दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी चाहत का इजहार किया है। इस वीडियो में नाबालिग ने कहा है कि वे एक दूसरे से प्यार करती हैं, टीचर उसे कहीं भी भगाकर नहीं ले गई हैं, हमें आप सभी प्रेम और शांति से रहने दो। छात्रा ने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए यह भी कहा है कि मामले को तूल ना दिया जाए। वहीं महिला टीचर ने भी वीडियो में नाबालिग का साथ देते हुए कहा है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लोगों को किसी भी तरह के बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही पूरे मामले ने एक नया एंगल पकड़ लिया है। दरअसल जो लड़की गायब हुई थी, उस लड़की के साथ उस महिला टीचर का गायब होना पूरे इलाके के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और यही कारण है कि ये पूरा मामला हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया है। वह इस मामले पर परिजनों ने मुस्लिम महिला टीचर निदा बहलीम पर षड्यंत्र के तहत लड़की को बहकावे में ले जाने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक निदा के भाई जुनेद व नवेद और उसके परिवार वालों ने षड्यंत्र करके हमारी बेटी को गायब कर दिया है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में स्कूल का स्टाफ भी शामिल है, क्योंकि बेटी के स्कूल में अनुपस्थित होने के बावजूद भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। ऐसे में पूरी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आखिर में वही होना था जिसका अंदेशा था। पूरी खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह फैल गई। रविवार सुबह से ही लोग श्री डूंगरगढ़ थाने पहुंचना शुरू हो गए। शाम होते होते इलाके में भारी तनाव हो गया। हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे और लोगों ने थाने में पहुंचकर एक बड़ा हंगामा किया और पूरी घटना को लव जिहाद बताया। हिंदू संगठन के सदस्यों ने आरोपित महिला टीचर पर छात्रा को बरगलाने और ब्रेन वॉश के आरोप के साथ इस साजिश में कुछ और लोगों की मिलीभगत की आशंका जताते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। घटना के चलते पूरे कस्बे में तनाव बरकरार है। इलाके में हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। श्री डूंगरगढ़ थाने में भारी पुलिस बल तैनात करके उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखी जा सके। वहीं पूरे मामले में छात्रा के परिजनों, स्थानीय नेताओं और हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों की पुलिस प्रशासन से कई दौर की वार्ता भी हुई है और पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीमों का गठन कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये मुकदमा एक नाबालिग छात्रा के अगवा करने का परिजनों द्वारा करवाया गया था डूंगरगढ़ थाने पे, जिसमें तुरंत अपनी 4 टीमें लगाकर हमने, हमारे जो साइबर टीम है, हमारी जो DST की टीम है, हमारी स्पेशल की जो टीम है, वो लगातार
बच्ची को दस्तयाब करने की हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह एक YouTube के मार्फत एक वीडियो हमें मिला है जिसमें दोनों जो लड़कियां हैं वो दिख रही हैं और उसमें वो बातचीत कर रही हैं। उस वीडियो को कहां से अपलोड किया गया उसकी भी जो कार्रवाई है वो हमने डाल दी है। और हमारे अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि संभवता हो सकती है वहाँ पे भी हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि सेफली दोनों को दस्तयाब किया जा सके। और हमारी प्राथमिकता यही है कि दोनों को एक बार दस्तयाब करके और स्पेशली बच्ची को दस्तयाब करके तुरंत लेके आया जा सके और उसके बाद जैसा भी जो विधिवत कार्रवाई होगी उसको अमल में लाया जाए। वही दूसरी ओर पूरे मामले में सियासत भी कहाँ चुप रहने वाली थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे मामले पर सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री डूंगरगढ़ की घटना राज्य सरकार पर कलंक लगाने वाली घटना है। 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी लड़की का बरामद नहीं होना राज्य सरकार की कमजोर कानून व्यवस्था का प्रतीक है। डूंगरगढ़ की घटना राजस्थान सरकार पर एक कलंक लगाने वाली घटना है। 5 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और एक नाबालिग बच्ची उस प्रकार उसका किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ, कौन सी ऐसी तंत्र लगा हुआ है जो इस प्रकार की भोली भाली लड़कियों को अपहरण करके ले जाता है। पूरा कस्बा आज उद्वेलित है, लगातार धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए और वही यहाँ की SP यहाँ के IG को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए, अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए। बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, ये संज्ञान में है पुलिस के और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और मैं खुद संघर्ष में रहेंगे। और मैं यहाँ से चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि अगर लाठी का और जबरदस्ती का किसी तरह का उपयोग सरकार के इशारे पर हुआ तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। बहरहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लड़की की बरामदगी को लेकर टीमों का गठन कर दिया गया है। लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि करीब 5 दिन गुजर जाने के बाद भी लड़की की बरामदगी को लेकर गंभीर प्रयास शुरू क्यों नहीं किए गए। राजनीति के अपने आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, अपने अपने नफा नुकसान हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रशासनिक रूप से गंभीरता के साथ प्रयास किए जाते तो शायद धर्म की खाई खोदने की जरूरत ना पड़ती। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।